सोहेल नागपुरकर, आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और अभी मैं आ चुका हूँ नागपुर के टिमकी में, जहाँ पे आपको मेरे पीछे साइड में देख सकते हो लाल मार्बल देखने को मिलेगी। और आज मैं नागपुर के काली पीली लाल मार्बल और साथ में बढ़ गया ये सब चीज़ें कवर करने वाला हूँ, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना। तो आइए दोस्तों, आपको मैं सभी मार्बल और बढ़ गया दिखाता हूँ। दोस्तों, लाल मार्बल दिखाने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ इसी के पीछे जो है एक बढ़ गया है वो दिखाऊंगा आपको, और उसके बाद जो है एक एक चीज़ें हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे, जैसे पीली मार्बल काली मार्बल जो है। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। सो दोस्तों, लाल मार्बल दिखाने के बाद मैं अभी आ चुका हूँ बिल्कुल उसके बैक साइड बड़गा के पास, और ये चिंट पार्क डमडम थीम पे बनाया गया बड़गा है। दोस्तों देख सकते हो ये बारीक सी जो गली दिख रही है, लाल मार्बल से थोड़ा आगे आने के बाद रॉन्ग साइड अगर आप आते हो तो आपको एक गली दिखेगी छोटी सी, और गली से ही आपको दूर से ही दिख जाएगा चिंट पार्क डमडम बड़गा, है ना। तो आप ये भी देख सकते हो बहुत ही पास है, और थोड़ी देर में यहाँ से हम लोग और एक मार्बल के पास जाने वाले हैं, कन्फर्म नहीं है कौन सी पर जाएंगे, ज़रूर काली भी हो सकती है या पीली भी, पर चलते हैं। और बाजू में एक मंदिर दिख रहा है, उसी के अंदर दो तीन एक छोटी बड़गी है और एक बड़गा भी है, छोटे छोटे जो बनाए गए वो भी दिखा देता हूँ। सो देख सकते हो गाइज, ये एक छोटी बड़गी है, हालांकि थोड़ा सा काम इसका बचा है, ये भी आज ही कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये कल ही निकलने वाली है। साथ में इधर भी एक देख सकते हो, तो ये छोटे बच्चों के लिए जो है ये बनाया गया है। सो दोस्तों, अभी हम लोग जो है पीली मार्बल चौक पे आ चुके हैं, और पीली मार्बल भी ये जो मंडप दिख रहा है वहीं पे आपको पीली मार्बल देखने को मिलेगी। जो चौक दिख रहा है गाइस, यही चौक है पीली मार्बल चौक, और देख सकते हो भीड़ जो है लोगों की बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे, है ना। अभी तो यहाँ पे दर्शन के लिए जो है बैरागेट भी लगाया गया है, हालांकि इसके पहले कुछ भी बैरागेट नहीं लगे थे। अभी जो है यहाँ पे देख सकते हो, है ना, बैरागेट और ये जब लकड़ी का पूरा लगा के रखे दर्शन के लिए, लोगों की भीड़ ज़्यादा हो जाती है इस वजह से। तो चलते पास में और दिखाता हूँ मैं आपको, अभी तो दिन में ही देख सकते हो इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, और कल तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहेगी। सो ये देख सकते हो पीली मार्बल पूरी तैयार हो चुकी है, हालांकि इसको तैयार हुए 3-4 दिन हो चुके हैं, और कल के दिन ही मतलब 3 सितंबर को जो है मार्बल सेलिब्रेट करने वाले हैं इतवारी में नेहरू पुतला के पास। तो ये जो पीली मार्बल है ये बोलते कि अच्छाई की प्रतीक है, और लोगों के दर्शन के देख सकते हो अभी की अभी से ही बहुत सारी जो है आपको भीड़ देख रही होंगी, बस लोगों की भीड़ जो है देख सकते हो यहाँ पे जो है पुलिस का भी जो बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि जो है लोग ज़्यादा भीड़ करते हैं इस वजह से। तो लाइन देख सकते हो गाइस, अभी तो कुछ भी लाइन नहीं है, थोड़ी देर में और भी ये जो लाइन है वो बड़ी हो जाएगी। एक छोटा सा मतलब कि यहाँ पे मार्केट भी बन गया है, देख सकते हो रोड बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा रोड है, गली है। यहाँ पे आप जब भी आते हो तो एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे कार वगैरह ना लेके आए, क्योंकि यहाँ पे आपको पार्क करने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। अगर बाइक वगैरह अगर ला रहे हो तो थोड़ा साइड में लगा के यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। और जो स्टॉल भी देख सकते हो यहाँ पे पूजा के जो है स्टॉल वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं, है ना। तो लोग यहीं से जो पूजा का सामान लेके यहीं पे जो है पीली मार्बल की जो है लोग पूजा करते हैं गाइस। तो दोस्तों, लाल मार्बल और पीली मार्बल कवर करने के बाद अभी मैं जा रहा था काली मार्बल की तरफ, पर भाई साहब बारिश जो है बहुत ही जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है, देख सकते हो। तो अभी जैसे बारिश रुकती है तो हम काली मार्बल की तरफ जाएंगे, अगर हो सकता है टाइम हो जाए बारिश की वजह से तो रह भी जाएगी, तो देखते हैं अगर जल्द से जल्द अगर ये बारिश रुकती है तो काली मार्बल की तरफ भी हम लोग जरूर से जाएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। सो दोस्तों, जो बारिश देख सकते हो बहुत कम हो चुकी है, और अभी हम लोग जा रहे हैं काली मार्बल की तरफ, और थोड़ी दूर पे एक गेट देखने को मिलेगा काली मार्बल का, पास पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये जितनी भी मार्बल है आस पास में ही है, मतलब
500 मीटर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंदर ही आपको इतवारी साइड में सभी मार्बल देखने को मिलेगी। और कल है 3 सितंबर, तो जो 3 सितंबर को है पूरी मार्बल जो है वो नेहरू पुतला के पास में आके मिलती है। तो फिर भी अभी वीडियो में बने रहो, अभी चल रहे काली मार्बल के पास और थोड़ी देर में फिर देखेंगे अगर जमेगा तो फिर वो एक दो बढ़ गए भी अपन कवर करेंगे। काली मार्बल के अंदर जाने वाला गेट, ये गेट से आपको अंदर जाना है थोड़ी दूरी पे, मतलब सामने जाते ही आपको जो है काली मार्बल देखने को मिल जाएगी। देख सकते हो पहले ये जो काली मार्बल थी ये मंदिर के अंदर थी, अभी जो है बाहर में जो मंडप में ला चुके हैं, बढ़िया सजा दिया गया है। सो दोस्तों ये जो एरिया है ये बारदान मार्केट एरिया है नेहरू पुतला के पास, मतलब नेहरू पुतला से मैंने दिखाया था जैसे वीडियो में बिल्कुल बाजू में ही एक गली है, गेट बना हुआ है आपको तो इजीली दिख जाएगा। और नेहरू पुतला पे ही जो है वो मेन मिलन होता है जो मार्बल का है ना, तो वीडियो बने रहो मैं आपको पास से भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपने जो है काली मार्बल देख चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं मस्कासाद चौक, वहाँ पे भी एक आपको एक बड़गा देखने को मिलेगा है ना। बारिश तो वैसे रुक चुकी है तो जितने भी हो सकते कवर करेंगे, बट आई थिंक अभी यहाँ पे जो है एक ही बड़गा देखने को मिलेगा मस्कासाद चौक में, वो भी यहीं से पास में ही है ना, जहाँ से हम लोग आ रहे थे उसी साइड वापस जाना है। यहाँ से आई थिंक 200-300 मीटर में ही वो बड़गा देखने को मिलेगा जहाँ तक हमको पता है, एक्चुअली हम वहाँ पे गए नहीं है, तो गाइस चलते हैं वहाँ पे भी। तो दोस्तों ये है नेहरू पुतला चौक है ना, देख सकते हो, तो यहीं पे आपको आना है मेन, अगर आप कैसे भी आ सकते हो हालांकि, पर यही पे जो है वो मेन मिलन होता है मार्बल का, तो ये बात आप ध्यान में जरूर से रखना। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं मस्कासाद चौक, अगर आपको ये चीज़ चौक नहीं मिलता है तो रोड पे देख लेना ये मंदिर है, क्योंकि ये बहुत जो पूरा एरिया है ये मार्केट लाइन एरिया है गाइस है ना, तो यहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहती है। और मेन चीज़ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप यहाँ पे कार लेके मत आना, वो चीज़ तो अवॉइड करना भाई। और कल जो मार्बल है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहती, हो सके तो आप ऐटो वेटो से आ जाओ, अगर बाइक लगाने को जगह मिल गई तो कोई विषय नहीं है, फिर भी जो है आप कार से तो बिल्कुल मत आना है ना, इसी याद रखना। बस हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके बड़गा के पास, वो भी दिखाता हूँ। सो दोस्तों मस्कासाद चौक से ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़े ही दूर पे जो है आपको यहाँ पे एक बड़गा देखने को मिलेगा है ना, एक पुल देखने को मिलेगा, देख सकते हो एक पुल है, लोहा पुल है, इसके नीचे से जो है ट्रेन वेन जाती है भाई साहब, और रोड पे ही जो है आपको बड़गा देखने को मिल जाएगा। मस्कासाद चौक से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर अंदर आए होंगे और यहीं पे आपको एक बड़गा देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो गाइस। सो दोस्तों मस्कासाद का बड़गा देखने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं लालगंज खैरीपुरा में, जो कि मस्कासाद से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ पे भी एक आपको एक बड़गा देखने को मिलेगा जो कि मेरे पीछे देख सकते हो। सो दोस्तों अभी हम लोग लालगंज खैरीपुरा से निकल चुके हैं तरुण पीली मार्बल देखने के लिए जा रहे हैं ना, जिसको बोलते हैं कि भाई जो मेन पीली मार्बल है उसकी बेटी है तरुण पीली मार्बल, जो कि कांजी हाउस चौक पे है, तो चलते वहाँ पे भी। तो गाइस आज जो है पूरा नागपुर तो नहीं कवर कर रहे, पर भाई पूरी इतवारी जरूर से कवर कर रहे, इतवारी के नियर बाय में ही है सब मार्बल और जो बड़गा वगैरह है, तो वही चीज़ें कवर कर रहे हैं। पूरा नागपुर तो नहीं घूम सकते, बट जो मेन मेन मार्बल और बड़गा है वो इतवारी साइड में आपको देखने को मिलेगा है ना। तो अभी जैसे कि मैंने बोला था कि तरुण मार्बल के पास जा रहे हैं, तरुण पीली मार्बल, तो वहाँ पर जा रहे हैं लालगंज पुलिया उतरने के बाद, और एक पुलिया लगता है मस्त, तो चलते हैं वहाँ पे भी। सो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं कांजी हाउस चौक पे, देख सकते हो यही चौक जो है वो कांजी हाउस चौक है, यही से राइट लेना है तो हम लोग पहुँच जाएंगे तरुण पीली मार्बल की तरफ है ना, और जो है तरुण पीली मार्बल आपको रोड पे ही देखने को मिलेगी, ज़्यादा दूर तो होगी नहीं, हालांकि मेरे को यहीं से कुछ तो भी मंडप वगैरह दिख रहा है। सो दोस्तों आपको यहीं से जो है पीली मार्बल दिख रही होगी है ना, रोड पे ही है मोस्टली जो मार्बल है अभी तक हम मैंने दिखाया हूँ वो मेन रोड पे ही है, तो कांजी हाउस चौक से जैसे आप लोग राइट लेते हो, राइट लेने के बाद में थोड़ा सा सामने आना है 200 मीटर पकड़ लो, 200-250 मीटर, उसके बाद में जो है आपको तरुण पीली मार्बल जो है देखने को मिलेगी।
तो दोस्तों देख सकते हो जो पीली मार्बत की तैयारी पूरी जोरों शोर से चल रही है, क्योंकि जो है मार्बत कल ही है 3 तारीख को, और अभी हम लोग आ चुके हैं बिना की नवी मंगलवारी मेहंदी रोड, मतलब कांजिया चौक से जैसे ही आ जाओगे तो ये एरिया का नाम है, और मंदिर भी है भाई यहाँ पे। तो चलते हैं, थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ और आपको। बाजू में आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा और बाहर ही जो है आपको पीली मार्बल देखने को मिल जाएगी गाइस। और हर जगह पे जो है अभी बैरागेट इसलिए लगाया है क्योंकि जो लोग पूजा करने के लिए आते हैं उस वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और वैसे भी मोस्टली जो मार्बत वगैरह है वो मेन रोड पे ही है, उस वजह से ट्रैफिक बढ़ जाती है गाइस। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे भी जो है अभी लोग पूजा करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, और जो मेन है मार्बत जो अभी कल 3 तारीख को सुबह ही निकलने वाली है 7 बजे, हम सब मिलेंगे नेहरू पुतला चौक पे जहाँ पे जो है मेन मार्बत निकलती है, सभी का जो है वहाँ पे मिलन होता है गाइस, तो आना मत भूलना। तो दोस्तों 4 मार्बल तो 3 बड़का दिखाने के बाद इस वीडियो को यहीं पे एंड करना पड़ेगा, क्योंकि नागपुर में वैसे तो बहुत सारे जगहों पे मार्बत बनती है तो इतना ज़्यादा कवर करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने जो मेन चीज़ें थी, मेन जगह पे जहाँ पे मार्बत थी वो मैंने आपको दिखाया हूँ। तो मिलते हैं कल 7 बजे नेहरू पुतला, सभी जो मार्बत है वहाँ पे मिलन होने वाला है, तो आना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल, तब तक के लिए बाय बाय।